छात्रगण, गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के तहत पेपर थर्ड भारतीय इतिहास और विशेष तौर पर मॉडर्न हिस्ट्री के 1857 की क्रांति की टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, कैसे मुख्य परीक्षा में आपको लिखना है ताकि नंबर अंक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इसी क्रम में छात्रगण, हम लोगों ने 1857 की क्रांति के कारणों का अध्ययन किया। आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम के बारे में। छात्रगण, छात्रगण आप देखते होंगे प्रथम विश्वयुद्ध कारण परिणाम, द्वितीय विश्वयुद्ध कारण परिणाम, फ्रांस की क्रांति कारण परिणाम, रूस की क्रांति कारण परिणाम, चीन की क्रांति कारण परिणाम। हर चीज का कारण होता है तो परिणाम भी होता है छात्रगण, याद रखिएगा। छात्रगण, कहा जाता है दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक के पीता है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार भी छात्रगण सचेत हो गई और ब्रिटिश सरकार ने फूक फूक के कदम उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि 1857 की क्रांति से उनकी चूले हिल गई थी छात्रगण। ब्रिटिश सरकार का प्रशासन भारत से हिल गया था और ऐसा लग रहा था कि भारत आजादी के शिखर पर विराजमान है। यह तो दुर्योग कहा जाएगा, यह हम लोगों की बदकिस्मती थी कि हम सफल नहीं हो पाए छात्रगण, अन्यथा ब्रिटिश साम्राज्य को अपना बोरिया बिस्तर बांध करके भारत से जाना पड़ता छात्रगण। ब्रिटिश सरकार ने इसका स्वमूल्यांकन किया। रानी विक्टोरिया ने लॉर्ड कैनिंग से लंबी बातचीत की और लॉर्ड कैनिंग को आदेश दिया कि 1 नवंबर 1858 को तुम्हें इलाहाबाद दरबार का आयोजन करना है और उस इलाहाबाद दरबार में तुम्हें बतलाना है कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। छात्रगण, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो पढ़ा गया था वही 1857 की क्रांति के परिणामों की गिनती में आता है। छात्रगण, इस 1858 के भारत शासन अधिनियम को रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, भारत शासन अधिनियम 1858 या भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना काटा भी कहा जाता है। मैग्ना काटा का अर्थ होता है छात्रगण अधिकार पत्र, है ना। मैग्ना काटा का अर्थ क्या होता है छात्रगण? अधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो छात्रगण, आपको यह ध्यान में रखना होगा, आपको ये मनन करना होगा, आपको ये स्मरण करना होगा, आपको ये याद रखना होगा, आपको एक एक चीजों को छात्रगण गौर करना होगा, है ना। क्या 1857 क्रांति के क्या परिणाम हुए थे, तो इसको जब इंट्रोडक्शन आप लिखेगा छात्रगण तो आपको ये लिखना होगा कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार जो है ने कई कदम उठाए थे। रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। इस घोषणा पत्र को 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना काटा, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, जिसकी मुख्य बातें निम्न थी छात्रगण। यही सब चीज़ों को आपको डिटेल्स में देना होगा और यही सब पॉइंट्स आपको हैं जिसे आपको बतलाना होगा छात्रगण अपने आंसर में। ध्यान दीजिएगा, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया छात्रगण। दूसरा, गौर निषेध प्रणाली का समापन ब्रिटिश सरकार ने कर दिया था क्योंकि विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। सैन्य अनुपात में परिवर्तन किया गया था छात्रगण, पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, ये भी आपको जानना है। वायसराय पद का सृजन किया गया था, गवर्नर जनरल को वायसराय पद के नाम से जाना जाने लगा था, उसके अधिकारों में वृद्धि की गई थी छात्रगण। भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था और इंडियन काउंसिल का निर्माण किया गया था ताकि रानी विक्टोरिया को भारत के बारे में सारी बातों की जानकारियां मिल सकें। सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति पर रोक लगा दी गई थी छात्रगण, ब्रिटिश सरकार ने अब इसको गति को धीमा कर दिया था और ज़्यादा हस्तक्षेप की नीति को कम कर दिया था। मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था, चूंकि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून में नजरबंद कर दिया गया था, म्यांमार की राजधानी, तो ब्रिटिश सरकार ने मुगल जो है साम्राज्य का भी अंत कर दिया और मुगल सम्राट का पद भी खत्म हो गया था छात्रगण, ये भी एक महत्वपूर्ण परिणाम था। वित्तीय प्रशासन में भी बदलाव किए गए, इनकम टैक्स रूल को लाया गया, बजट को लाया गया था भारत में पहली बार। ये सारे चीज़ों का जो परिवर्तन हुआ है छात्रगण, यही 1857 की क्रांति के परिणाम हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा छात्रगण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत छात्रगण। 1857 की क्रांति के बाद रानी विक्टोरिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार
भारत से खत्म कर दिए गए थे छतगन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और रानी विक्टोरिया ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया था। छतगन पूछेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त किए गए थे? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को खत्म कर दिया गया था। छतगन, इतने लंबे अरसे तक भारत में शासन कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिर भारत को क्या दिया? जुल्मो सितम, उत्पीड़न, प्रताड़ना, शोषण, आर्थिक दोहन, अत्याचार, विद्रोह, क्रांतियां। अंग्रेज सरकार समझ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यदि भारत में और शासन दिया गया तो फिर से इस तरह के विद्रोह दोबारा हो सकते हैं। इसलिए छतगन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और रानी विक्टोरिया ने भारत का शासन सीधे तौर पर अपने हाथों में ले लिया। रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया, सामग्री घोषित किया गया और रानी विक्टोरिया के नाम पर ही भारत का शासन चलाया जाने लगा था। छतगन, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। दूसरा पॉइंट है छतगन, गोद निषेध प्रणाली का समापन। छतगन, गोद निषेध प्रणाली जिसे लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था और 8 राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का शिकार बनाया था। मैंने छतगन आपको बताया था कि गोद निषेध प्रणाली के कारण भारतीय राज्यों में असंतोष था, भारतीय जनता में असंतोष था। जिन जिन राज्यों को गोद निषेध प्रणाली का शिकार लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था उनके मन में असंतोष था। छतगन, इस असंतोष की चिंगारी कैसे एक ज्वाला बन गई थी यह ब्रिटिश सरकार ने देखा था और यह घटना से ब्रिटिश सरकार ने सबक लिया और गोद निषेध प्रणाली को ही समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। छतगन, यह पहला कदम था ब्रिटिश सरकार का और रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र का कि गोद निषेध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इसे भी छतगन आपको ध्यान देना है। छतगन, दूसरी बात जो तीसरे पॉइंट की ओर हम लोग आ रहे हैं, सैन्य अनुपात में परिवर्तन। छतगन, पील कमीशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के अनुपात को 6:1 से बदलकर 6:1 से बदलकर 2:1 कर दिया गया। 6:1 से बदलकर 2:1 कर दिया गया तथा सिख, गोरखा, पठान सैनिकों को भारतीय सेना में ज्यादा मात्रा में शामिल किया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति में इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना। ये है छतगन, सैन्य अनुपात में परिवर्तन। किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सैन्य अनुपात में परिवर्तन किया गया था? छतगन, पील कमीशन। क्या परिवर्तन किया गया? 6:1 से बदलकर 2:1 कर दिया गया था, यानी कि 6 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज सैनिक थे, अब 2 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज सैनिक कर दिया गया था। यह भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा, यह भी मनन करना होगा, यह भी अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को छतगन कॉल करना होगा। छतगन, जिन सैनिकों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, भले वह मजबूरी वसी क्यों न दिया हो, सिख, गोरखा, पठान, इन सैनिकों को बड़े पद दिए गए, पदोन्नति दी गई और ज्यादा संख्या में अंग्रेजी सेना में शामिल किया गया। मकसद क्या था? अपने समर्थकों की संख्या को बढ़ाना। यह भी आपको अपने पॉइंट्स में लिखना होगा छतगन, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग आ रहे हैं, वायसराय पद का सृजन। छतगन, गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया और उसे एक नया नाम दिया गया था, वायसराय। क्या नाम दिया गया था छतगन? वायसराय नाम दिया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा। इसे नाम दिया गया था वायसराय, इसे भी गौर करना होगा। तो छतगन, 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था? वायसराय। वायसराय के अधिकारों में भी वृद्धि की गई थी छतगन, वायसराय को कई प्रकार के अधिकार दिए गए थे और वायसराय रानी विक्टोरिया के प्रति जो है जवाबदेह थे और रानी विक्टोरिया के प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन चला रहे थे। वायसराय पद नाम दिया गया था गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल के पद का अंत कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बनाए गए थे, ध्यान देंगे छतगन।
छगन। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सचिव पद का सृजन, छगन। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद एक नए पद भारत सचिव के पद का सृजन किया था, छगन। भारत सचिव का कार्यालय लंदन में होता था। भारत सचिव वही व्यक्ति बन सकता था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि इंग्लैंड सरकार का कैबिनेट मंत्री होता था। भारत सचिव का काम क्या था? भारत के वायसराय से बात कर भारत के प्रत्येक दिन की गतिविधियों को ब्रिटिश रानी विक्टोरिया तक पहुंचाना, यही भारत सचिव का काम था, छगन। तो भारत सचिव के पद का सृजन किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा, यह भी मनन करना होगा, यह भी आपको अपने आंसर में लिखना होगा, छगन। सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति पर रोक, छगन। अंग्रेज जानते थे कि भारतीय लोग परंपरावादी हैं, अंधविश्वासी हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, इनकी परंपराओं के साथ हम लोग छेड़छाड़ करते हैं तो ये विद्रोह कर देते हैं, इनके अंधविश्वासों पर हम रोक लगाते हैं तो ये विद्रोह कर देते हैं, छगन। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को बहुत ही कम कर दिया और उनके उसी हाल पर छोड़ दिया, है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण परिणाम है, छगन, जिसे आपको अपने आंसर में लिखना होगा, गौर करेंगे। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का अंत, छगन। 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, छगन। मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से दिल्ली से हसन और निकलसन ने गिरफ्तार करके भेज दिया म्यांमार की राजधानी रंगून में, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। इनकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का तो अंत हुआ ही, भारत से मुगल सम्राट के पद का भी समापन हो गया। मुगल साम्राज्य का अंत भी 1857 की क्रांति के बाद छगन हो गया, जो कि 1526 में बाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य, जो कि एक विशाल वटवृक्ष था, इसका भी समापन हो गया, छगन, ध्यान देंगे। और अंतिम है वित्तीय प्रशासन में बदलाव, छगन। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद भारत के वित्तीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन में भी एक बड़ा बदलाव किया, छगन। लॉर्ड कैनिंग के अर्थशास्त्री सहयोगी जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार बजट प्रणाली की शुरुआत की, आयकर प्रणाली की शुरुआत की और अन्य कई प्रकार के वित्तीय प्रणाली की शुरुआत की गई, छगन। स्वेज नहर के निर्माण से भारत और इंग्लैंड के बीच दूरियां कम हो गई, भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होते चले गए और भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार का एक नया रास्ता खुल गया था। ये भी वित्तीय प्रशासन में बदलाव के कारण ही छगन संभव हो पाया था, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो छगन, वित्तीय प्रशासन में बदलाव के तहत आपको जो पॉइंट्स लिखने होंगे वो ये लिखने होंगे कि 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के अर्थशास्त्री सहयोगी जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार बजट प्रणाली एवं आयकर प्रणाली की शुरुआत की थी, शुरुआत की थी। 500 रुपए वार्षिक आय से ऊपर आय वाले व्यक्ति को आयकर देना पड़ता था, देना पड़ता था, देना पड़ता था। स्वेज नहर के निर्माण से भारत और इंग्लैंड के बीच दूरी कम हो गई तथा व्यापारिक आदान प्रदान तीव्र गति से होने लगा। तो यह है छगन, 1857 की क्रांति के परिणाम, जिसमें आपने इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। इन्हीं आपको छगन मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत करना है और मुख्य परीक्षा में इसे आपको शानदार तरीके से अपने शब्दों में मौलिकता के साथ प्रस्तुत करना है। छगन कहीं से भी किताबी भाषा नहीं लगनी चाहिए, ये आपकी मौलिकता ही आपको मुख्य परीक्षा में विजेता बनाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा छगन। साधारण शब्दों का प्रयोग करें, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अपनी लेखनी में गागर में सागर भरने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स का समागम करें और हमेशा ध्यान रखें कि मुख्य परीक्षा में आपका प्रस्तुतिकरण ही आपको सफलता के सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाता है। आपका प्रस्तुतिकरण कैसा होगा ये काफी मैटर करता है। अगले टॉपिक की ओर जब हम लोग प्रवेश करेंगे छगन, तो हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति की असफलता के मुख्य कारण कौन कौन से थे, आखिर क्रांति इतने ज्यादा
आत्मविश्वास के बावजूद, इतने ज्यादा संघर्ष, बलिदान, त्याग, तपस्या के बावजूद भी असफल क्यों रही? हिंदू मुस्लिम एकता के बाद भी क्रांति की असफलता क्यों हाथ लगी? एक और बहादुर शाह जफर थे तो दूसरी और तात्या टोपे, एक और नाना साहब थे तो दूसरी और खान बहादुर खान, एक और रानी लक्ष्मीबाई थी तो दूसरी और बेगम हजरत महल, उसके बाद भी हम असफल हो गए। छतगन, मूल्यांकन की जरूरत है कि आखिर असफलता हाथ क्यों लगी। किसी भी कॉम्पिटिशन में आप जाते हैं, रिजल्ट आता है Not qualified, you are not in the list of successful candidate का जब लिस्ट आता है तो आप निराश हो जाते हैं। लेकिन उस समय मूल्यांकन करें कि असफलता के क्या कारण थे, किन कारणों से आप असफल हुए, आपका क्या कौन विषय कमजोर था। प्रारंभिक परीक्षा आपने पास कर ली, मुख्य परीक्षा में असफल हो गए, क्यों? आपके पास राइटिंग स्किल नहीं थी, आपके पास मौलिकता नहीं थी, आपके पास दूसरों से ज्यादा अच्छे पॉइंट्स नहीं थे, आपके पास एक अनुभव नहीं था जो आपको लिखना था, आपके प्रस्तुतिकरण का तरीका पुराना था, नवीन अंदाज में आपने प्रस्तुतिकरण नहीं किया, आपने दूसरों की तुलना में कम पॉइंट्स लिखे, इसलिए आप असफल हो गए। तो छतगन, जिस प्रकार से स्वमूल्यांकन करने के पश्चात हम उसे सुधारते हैं आगे के लिए, उसी प्रकार 1857 की क्रांति में भी आखिर असफलता क्यों हाथ लगी, इसका मूल्यांकन करेंगे हम लोग। छतगन, ध्यान देंगे। गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। छतगन, जेपीएससी मुख्य परीक्षा के तहत हम लोग जिस टॉपिक पर चल रहे थे उस टॉपिक का नाम था 1857 की क्रांति। छतगन, क्रांति के कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैन्य कारण, तत्कालिक कारणों के बारे में आपने विस्तृत अध्ययन किया था और मुख्य परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार किया था। आज हम लोग जान रहे हैं इसी टॉपिक के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, क्रांति की असफलता के कारण। छतगन, विगत कक्षाओं में हम लोगों ने क्रांति के कारण, क्रांति के परिणाम का विस्तृत अध्ययन किया, आज हम लोग जान रहे हैं क्रांति की असफलता के कारण। छतगन, मैंने जैसा कहा कि इतिहास विषय को भी आपको एग्जामिनर के सामने ऐसे प्रस्तुत करना है जैसे गणित, भूगोल, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान जैसे विषयों को आप प्रस्तुत करते हैं, और इससे क्या होगा कि अंक आपको निश्चित तौर पर ज्यादा आएंगे। छतगन, छतगन ध्यान दीजिएगा, क्रांति की असफलता के कारण को यदि हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने यहां ड्राफ्टिंग इसलिए किया, मैंने पहले ही कहा आपको कि ड्राफ्टिंग करने से इस तरीके से नंबर निश्चित तौर पर छतगन अच्छे आते हैं और निश्चित तौर पर आप दूसरों से ज्यादा अंक लेकर के आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर यहीं पर देख लेगा इतने सारे बिंदुओं को, इतने सारे पॉइंट्स को देखकर कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कारण है, क्या असफलता के कारण है, ये यहीं पर देख के बतला देगा। फिर नीचे आप इसको धीरे जो है अपने शब्दों में डिस्क्राइब भी कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यह है छतगन, क्रांति की असफलता के कारण, जो कि पूछे जाने की पूरी संभावना है, और आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आपने बिल्कुल इसी अंदाज में लिखा तो मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, कटेंगे जरूर, लेकिन आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा अच्छे अंक आएंगे और आप सफलता का रास्ता निश्चित तौर पर तय कर लेंगे छात्रगण, क्योंकि कोई और इस तरीके से नहीं लिखेगा, जो लिखेगा वही अच्छे अंक प्राप्त करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मुख्य परीक्षा में शानदार और जानदार अंकों से अपनी सफलता का परचम लहराएं और अंदाजे बयां प्रस्तुतिकरण शानदार तरीके से करें। छतगन, मैंने आप लोगों को बतलाया कि 1857 की क्रांति जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक थी, है ना, सब लोगों ने मिलकर के देश के लिए कुर्बानियां दी, चाहे वो कृषक हो, सेना हो, है ना, चाहे वो मजदूर भाई हो, कारीगर हो, दस्तकार हो, सब लोगों ने मिलकर के देश के लिए कुर्बानियां दी और इस आजादी की पहली लड़ाई में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, प्रथम सिपाही विद्रोह में, प्रथम सैन्य विद्रोह में अपने आप को देश के लिए उत्सर्ग कर दिया। लेकिन छतगन, फिर भी हमें सफलता हाथ नहीं लगी, क्या कारण थे, इसी को आपको अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखना है और इसी में आपको दूसरों से ज्यादा अच्छे पॉइंट्स, ज्यादा पॉइंट्स को देना है ताकि आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा आए, अच्छे से नंबर आए, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैपवर्क का भी प्रयोग कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स में, ताकि और भी अच्छे नंबर आपको छतगन आए, है ना। तो छतगन, एक एक करके हम लोग समझेंगे और एक एक करके जानेंगे, चूंकि संस्थान आपको ये सब चीजों का पीडीएफ नोट्स प्रदान करेगी, नोट्स के अनुसार ही आपको पूरा पढ़ना है और वहीं पर इस चीज को छतगन याद कर लेना है, है ना। तो हम लोग इसी चीज की
शुरुआत आज कर रहे हैं और फिर आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। मेरा काम होगा आपको क्लास में इस चीज को जबरदस्त तरीके से समझा देना ताकि आप एक एक बातों को समझ सकें और प्रस्तुतिकरण कर सकें। आपका काम होगा इन पॉइंट्स को याद रखना, लिखने की शैली विकसित करना, नोट्स को पढ़ करके खुद भी लिखना, अपने शब्दों में लिखना, बार बार लिखना और जब तक परफेक्शन नहीं आ जाए तब तक लिखते रहना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ताली दोनों हाथ से बजती है छात्रगण। कर्तव्य पथ पर दो कदम हम लोग चलेंगे तो एक कदम तो आपको चलना ही पड़ेगा और दो कदम आपने चला तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो छात्रगण, क्रांति आखिर क्यों असफल रही? इतने सारे समर्पण, त्याग, तपस्या, बलिदान, जोश, जज्बे, जुनून, देशभक्ति, राष्ट्रीयतावाद की भावना के बाद भी 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे छात्रगण? ध्यान दीजिएगा छात्रगण, कारण नंबर एक, योग्य नेतृत्व का अभाव। छात्रगण, 1857 की क्रांति के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बनाए गए थे। 80 वर्ष से भी ज्यादा इनकी उम्र थी, ये शारीरिक रूप से काफी अस्वस्थ थे और दो व्यक्तियों के सहारे चलते थे। छात्रगण, राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता ये बना तो दिए गए लेकिन आप जानते हैं किसी भी क्रांति की सफलता के लिए जोश और होश दोनों चाहिए। छात्रगण, होश तो इनमें था लेकिन जोश नहीं था। छात्रगण, जोश होना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह, कि एक बार उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और आजाद इन फौज के सैनिकों ने कटार निकाल ली और काटना शुरू कर दिया, बोला नेताजी कितना खून चाहिए हम बहाने के लिए तैयार हैं। ये होना चाहिए जोश, जज्बा, जुनून। छत्रगण, नेतृत्वकर्ता होना चाहिए हिटलर की तरह, सामने मित्र राष्ट्र की सेना पहुंची हुई है लेकिन फिर भी अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ा रहा है कि हम जीतेंगे, ये था उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल। छत्रगण, नेपोलियन बोनापार्ट की तरह नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत आल्प्स पर्वत उसके सामने में था। एक ज्योतिषी ने कहा कि इस पर्वत को तुम पार नहीं कर पाओगे, या यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो भी चढ़ने की कोशिश करता है उसका मलघट, उसका शमशान वहीं पर बन जाता है, अगली बारी तुम्हारी है। नेपोलियन ने कहा ज्योतिषी महाराज से, ज्योतिषी जी इस पर्वत को जीतना, इस पर्वत को पार कर लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या होना चाहिए मेरे हाथ की रेखाओं में? ज्योतिषी महाराज ने उसका हाथ देखा और कहा वो रेखा तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये रेखा यदि ऐसे होकर ऐसे जाती तो ये तुम इसे जीत जाते। छत्रगण, नेपोलियन ने भुजाली निकाली, चाकू निकाला और वो रेखा अपने हाथ में बना दी और कहा ये रेखा मेरे हाथ में बन गई है और मैं इसे जीत कर रहूंगा। छत्रगण, नेपोलियन ने अपने सैनिकों को जबरदस्त रूप से जोश और जज्बे से भरा हुआ वक्तव्य दिया, भाषण दिया और अपने सैनिकों के अंदर इतना उत्साह भर दिया कि उसके सैनिकों ने यूरोप के सबसे ऊंचे आल्प्स पर्वत को जीत करके नेपोलियन के कदमों में रख दिया। तो छत्रगण, जहां चाह होती है वहां लाह निकल जाती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। छत्रगण, इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि योग्य नेतृत्व होना चाहिए। छत्रगण, देश का नेतृत्व यदि योग्य हाथों में होगा तो देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, देश का नेतृत्व यदि अयोग्य हाथों में होगा तो देश प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएगा। छत्रगण, इसलिए सैन्य संचालन का भी नेतृत्व योग्य हाथों में होना चाहिए और इतिहास गवाह है कि जब जब योग्य लोगों ने नेतृत्व किया है उन्होंने सफलता की मंजिल को तय भी किया है। छत्रगण, बाबर भी एक कुशल नेतृत्वकर्ता था मुगल साम्राज्य में, मैं आपको पढ़ाऊंगा मुगल साम्राज्य का संस्थापक। वो अपने सैनिकों में इतना अदम्य साहस, उत्साह और जोश भरता था कि जब सैनिक उसके रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को और बर्फ को हटाते थे तो बाबर खुद कुदाल फावड़ा लेके उतर जाता था और सैनिकों के साथ वह भी हटाने में लग जाता था। उसके सैनिकों को देखकर उत्साह दुगना हो जाता था कि जब हमारे नेतृत्वकर्ता हमारे साथ लग सकते हैं, जब हमारा बादशाह हमारे साथ काम में लग सकता है तो फिर हम और क्यों ना उत्साह के साथ इस काम को अंजाम दें। यह होता है छात्रगण नेतृत्वकर्ता, यह होता है सही दृष्टिकोण से, जोश जज्बे से लबरेज नेतृत्वकर्ता। लेकिन अफसोस 1857 की क्रांति के हमारे नेतृत्वकर्ता काफी समर्पित थे, होश भी इनमें था, देश के लिए राष्ट्रीयता की भावना थी, वतन परस्ती भी में भी कोई कमी नहीं थी लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर थे, लाचार थे। और छत्रगण, इतिहास गवाह है कि शारीरिक रूप से कमजोर
लोग जंग नहीं जीत सकते हैं। युद्ध के मैदान में हमारी सेना जिसने विद्रोह किया था, है ना, खोज रही है कि कौन है हमारा नेतृत्वकर्ता, कौन हमें गाइडलाइन करेगा, कौन हमें निर्देश देगा। छात्रगण, युद्ध के मैदान में जब वो नेतृत्वकर्ता को नहीं पाते थे तो उनका जोश, जज्बा, जुनून ठंडा पड़ जाता था और ये हमारी असफलता का एक मुख्य कारण बना था। छात्रगण, जब नेतृत्वकर्ता होता है तो वही आदेश देता है, वही निर्देश देता है कि हम ऐसा युद्ध करना, हमारी ये रणनीति होगी, हमारा ये चक्र भी होगा, हम शत्रु सेना को इस तरीके से पराजित करेंगे। बाबर भी अपनी सेना के साथ बैठ करके रणनीति बनाता था। छत्रगण इसी कारण से उसने लगातार 4 युद्धों को भारत में जीता, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो क्या कारण था? छत्रगण रणनीति, प्लानिंग। छत्रगण बिना रणनीति के ये लोग चल रहे थे और युद्ध के मैदान में नेतृत्वकर्ता के नहीं होने से सैनिकों को कोई भी निर्देश देने वाला नहीं था। ये वही बात हो गई थी छत्रगण, शादी से दूल्हा गायब हो गया था और शरीर से आत्मा गायब हो गई थी। तो छत्रगण कहां से बात आगे बढ़ेगी? यही कारण था कि हम असफल हो गए। छत्रगण, इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता यदि तात्या टोपे होते, रानी लक्ष्मीबाई होती, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। लेकिन अफसोस, बहादुर शाह जफर का होश तो काम आया लेकिन जोश ने दगा दे दिया छत्रगण। और दिल्ली में बीमार अवस्था में, शारीरिक रूप से कमजोर अवस्था में बीमार या अंतिम मुगल बादशाह एक अयोग्य नेतृत्वकर्ता साबित हुआ था, जिसके कारण हमें असफलता हाथ लगी थी। छत्रगण, ध्यान देना है आपको, इन्हीं सब बिंदुओं को अपने आंसर में लिखना है, गौर करेंगे। दूसरा पॉइंट छत्रगण, आइए, सीमित क्षेत्र में प्रभाव। छत्रगण, यहां पे आपको मैप वर्क का सहारा लेना है। आप इंडिया का मैप नहीं भी बनाते तो आप एक ड्राफ्ट कर दो, इस तरीके से ऐसे कर दो आप। यहां तो मैं बोर्ड है तो छोटा सा करना हूं आपको, वहां भी बड़ा करना है अपने, जब आप लिखोगे मुख्य परीक्षा का आंसर, है ना, कोई भी यूपीएससी का आप लिख रहे हो, जेपीएससी लिख रहे हो, बीपीएससी लिख रहे हो, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो हिंदी भाषी है। छत्रगण, आपको जहां भी आप ऐसे आंसर को लिखोगे, मैं दावा करता हूं आप नंबर अच्छा लाओगे, एकदम कंफर्म, 100% या 200%, है ना। तो छत्रगण, आप इंडिया का मैप नहीं अच्छा बना पाते हो, आपको इंडिया का मैप नहीं बनाना आता है, तो आप कुछ नहीं करो, आप ये कर दो, ठीक है, इसे इंडिया आप मान लो। छत्रगण, आपको दिखाना होगा कि सीमित क्षेत्र में फैलने के कारण हम विद्रोह असफल क्यों हुआ। छत्रगण, इस विद्रोह की चिंगारी आप देखिएगा, इस विद्रोह की लॉ, इस विद्रोह की मसाल कुछ ही क्षेत्रों में दिखाई देती है। छत्रगण, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, है ना। छत्रगण, क्या केवल यही इंडिया है? क्या आप इतने क्षेत्र को पूरा भारत मान सकते हैं? जवाब होगा नहीं। ये आपको दिखाना होगा मैप में छत्रगण, और दिखाना होगा 1857 की क्रांति के प्रभावशाली क्षेत्र या प्रभावित क्षेत्र, 1857 की क्रांति से प्रभावित क्षेत्र, और वहां पे इस तरीके से जो है मार्किंग भी कर देनी होगी, समझ गए, और उसमें बतलाना होगा आपको कि देखिए छत्रगण, पूरा दक्षिण भारत खाली है, ये बड़ा साल 0, पश्चिम भारत खाली है छत्रगण, पूर्वोत्तर भारत में असम को छोड़कर अन्य जितने भी राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, शून्य की स्थिति है। उत्तर में भी आप छत्रगण देखेंगे तो जम्मू कश्मीर वगैरह की स्थिति शून्य नजर आती है। छत्रगण, क्या केवल बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, ये सब ही क्या भारत में है? पश्चिम बंगाल, है ना, क्या अन्य क्षेत्र भारत में नहीं है? अन्य क्षेत्र भी हैं, लेकिन छत्रगण अफसोस, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, असम के अलावा यह विद्रोह संपूर्ण दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश नहीं के बराबर, बहुत ही कम छुटपुट घटनाएं घटी, उससे क्या होगा छत्रगण। पश्चिम भारत में आप आ जाओ, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा नहीं के बराबर छत्रगण, ये स्थिति थी। उत्तर भारत में आप आ जाओ, जम्मू कश्मीर नहीं के बराबर थी। पूर्वोत्तर भारत में आप आ जाओ, इस साइड में असम के अलावा सेवन सिस्टर्स जो कहलाते हैं नहीं के बराबर थी, बहुत ही कम हुआ, छिटपुट हुआ। छत्रगण, यदि यह विद्रोह पूरे हिंदुस्तान में होता, जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, पूरे भारतवर्ष में जो है आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन यह आंदोलन 1857 की क्रांति छत्रगण एक सीमित क्षेत्र तक रह गया था,
कहां था उसका क्षेत्र सदगण? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, बस। तो छतगन ये पूरा हिंदुस्तान नहीं है। अगर यह विद्रोह दक्षिण भारत के राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में होता, यदि यह विद्रोह राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब में भी उतने ही पुरजोर तरीके से होता जितना उत्तर प्रदेश में हुआ था, यदि यह विद्रोह जम्मू कश्मीर में, यदि यह विद्रोह पूर्वोत्तर भारत के असम के अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में होता, तो छतगन तस्वीर कुछ और होती, विजय का पताका हम लहरा देते। लेकिन अफसोस इन क्षेत्रों में विद्रोह नहीं हुआ। तो छतगन इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए आपको एक चीजों को पहले निगाह रखनी होगी। छतगन इस आंसर को लिखते वक्त ये जरूर दिखाइएगा इस तरीके से ड्राफ्टिंग करके कि आप क्या बतलाना चाहते हैं इस आंसर में, है ना। आप इंडिया का मैप नहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना चाहते हो, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। आपको यदि मैप पे कमांड है, इंडिया का मैप आप बना सकते हो, तो दिखा दो आप कि प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, असम, दिखा दो। बाकी सब जगह दिखा दो ब्लैंक है, ऐसा करके गोल करके दिखा दो, है ना। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, आपका प्रस्तुतिकरण बिल्कुल अलग है। आपने इतिहास को भी भूगोल का रूप दे दिया है, आपने इतिहास को भी विज्ञान का रूप दे दिया है, आपने इतिहास को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। अंक देने पर तो वह मजबूर होंगे ही, और आप अंक छीनने पर मजबूर हो जाएंगे, कर देंगे छात्रगण अपने एग्जामिनर को। यही तरीका होता है मेंस में, यही रणनीति होती है मुख्य परीक्षा में, ज्यादा अंक लाने की, दूसरों की तुलना में अच्छा लिखें, दूसरों की तुलना में अलग हटकर के लिखें, विशिष्ट लिखें, प्रस्तुतिकरण शानदार, जानदार, लाजवाब हो, तब एग्जामिनर जिंदाबाद कहने पर मजबूर हो जाएगा। छात्रगण अंक तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, है ना, सफलता से भी आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ये ध्यान रखिएगा। बस अंदाजे बयां कुछ ऐसा हो कि सामने वाला दीवाना हो जाए, छात्रगण ध्यान दीजिएगा, यही तरीका होता है प्रस्तुतिकरण करने का, है ना। तो अगले पॉइंट की ओर हम लोग आ रहे हैं छात्रगण, सैनिक क्षेत्र में प्रभाव पॉइंट्स को ऐसे ही आपको डील करना है कि यह विद्रोह सर्वाधिक प्रभावशाली उत्तर प्रदेश राज्य में था। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में भी इस विद्रोह का प्रभाव व्यापक पैमाने पर देखने को मिलता है। परंतु दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में इस विद्रोह का प्रभाव आंशिक तौर पर देखने को मिलता है। पश्चिम भारत के राज्यों गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा इत्यादि राज्यों में भी यह विद्रोह प्रभावशाली नजर नहीं आता। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में भी विद्रोह का प्रभाव बहुत ही कम नजर आता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि क्षेत्रों में भी विद्रोह काफी कम रूप में नजर आता है। तो छतगन इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, इस चीज को आपको मनन करना होगा, इस चीज को आपको अध्ययन करना होगा, और एक एक चीजों को बताना होगा एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर संतुष्ट हो जाए और आपको अच्छे अंक दे, छात्रगण ध्यान देंगे, है ना। अगले पॉइंट की ओर आएंगे छात्रगण हम लोग, पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों का उपयोग। पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों का उपयोग, छात्रगण इतिहास गवाह है कि जंग लगे हथियारों से युद्ध नहीं जीता जा सकता है। छात्रगण युद्ध जीतने के लिए हथियारों का नुकीला और पैना होना बहुत जरूरी है। हथियार यदि आपके शानदार और जानदार रहेंगे तो शत्रु सेना को आप आराम से विजित कर सकते हो। पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था छात्रगण? बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख सैनिक थे। छात्रगण बाबर विजयी रहा, इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर। क्वालिटी मैटर करती है,
आपको घर का बना हुआ थोड़ा सा ही भोजन मिले, सुस्वादिष्ट शुद्ध आत्मसंतुष्टि वाला भोजन मिले, तो आप प्रसन्नता के साथ उसे ग्रहण कर लोगे। होटल का भोजन आपको मिले लेकिन उसमें वो स्वाद ना हो, उसमें वो प्यूरिटी ना हो, उसमें वो शुद्धता ना हो, तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी छतगण, है ना। तो छतगण, आप कितने घंटे पहुंचते हो ये कोई मैटर नहीं करता है, आप जितने देर पहुंचते हो उसमें कितने चीजों को आत्मसात करते हो, कितनी चीजें आपके दिमाग में जाती हैं, कितनी चीजों को आप दिमाग में अटा लेते हो, ये बहुत मैटर करता है छतगण। इसलिए याद रखिएगा छतगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों का उपयोग। छतगण, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबा ने 12,000 सैनिकों की सहायता से इब्राहिम लोदी की 1.5 लाख सेना को कैसे पराजित किया? बाबर का कुशल तोपखाना, बाबर के तुर्की नस्ल के अरबी नस्ल के घोड़े, बाबर की तुलगुमा पद्धति, बाबर का कुशल सैन्य संचालन, ये सब चीजें उसकी विजेता होने की सहायक बनी थी। छतगण मात्र 12,000 सैनिकों की सहायता से जो 1.5 लाख की सेना को लौंद सकता है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि वह नेतृत्वकर्ता और वह सैन्य संचालन कितना शानदार रहा होगा। लेकिन छतगण, अफसोस, हमारे सैनिकों के पास पुराने और जंग लगे हुए हथियार थे, हमारे सैनिकों के पास पारंपरिक अस्त्र शस्त्र थे, डंडा, लाठी, भाला, फलसा, गंडासा, बंदूकें भी जंग लगी हुई जिससे गोली नहीं निकलती थी, रिवॉल्वर भी जंग लगा हुआ फुसफुस करने लगता था, है ना, पिस्टल भी जंग लगा हुआ फुसफुस करता था। तो छतगण, अंग्रेजों के पास था तोप, रिवॉल्वर, बंदूक, राइफल, एक से बढ़कर एक हथियार, अस्त्र शस्त्र, आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, तोपखाना था उनका, और हमारे पास ये सब चीजों का अभाव था। तो छतगण कहां से जंग जीतेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसलिए छतगण, हमेशा गौर कीजिए कि युद्ध के मैदान में जाने से पहले अपने अस्त्र शस्त्रों को पहना कर लें, अपने अस्त्र शस्त्रों को धारदार बना लें ताकि शत्रु को पराजित किया जा सके। छतगण, कॉम्पिटिशन के फील्ड में भी आप जाते हैं तो वहां भी आपको एक बहुत बड़ी भीड़ मिलती है, एक से एक टॉपर, JNU का टॉपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर, BHU का टॉपर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टॉपर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर, सभी यूनिवर्सिटी के टॉपर छतगण आपको वहां पे मिलते हैं। और आप यदि उन टॉपर्स का सामना करने जा रहे हो, उनके पास AK-47 रूपी ज्ञान का हथियार है, मैं हथियार की बात नहीं कर रहा हूं छतगण, ज्ञान का हथियार, उनके पास AK-56 का ज्ञान का हथियार, उनके पास तोप है, उनके पास मौजर है, और आप लेके जाओगे डंडा, फलसा, गंडासा, कितने दिन टिक पाओगे आप, कितने देर टिकोगे, है ना, आपको पराजय का सामना करना ही पड़ेगा छतगण। इसलिए याद रखिएगा छतगण, हमारी सेना के पास अंग्रेजों की तुलना में आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का अभाव था, इसलिए हम पराजित हो गए। छतगण, इस आंसर को आपको ज्यादा विस्तृत नहीं लिखना है, बस यही लिखना है कि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र, तोप, बंदूक इत्यादि मौजूद थे, जबकि भारतीय विद्रोही सेना के पास पारंपरिक अस्त्र शस्त्र, जंग लगे हथियार इत्यादि मौजूद थे, जिसके कारण हमारी पराजय हो गई। बस इस पॉइंट को इतना ही लिख करके छतगण आपको विराम लगा देना है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अगले पॉइंट की ओर हम लोग आ रहे हैं छतगण, समय से पूर्व प्रारंभ। छतगण, बहादुर शाह जफर, तात्या तोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, सबों ने मिलकर के बैठ करके तय किया कि इस विद्रोह को हम लोग शुरू करेंगे 31 मई को। कब शुरू करेंगे छतगण? 31 मई को शुरू करेंगे। और शुरू कब हो गया छतगण? 10 मई को, है ना, अचानक विद्रोह 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने कर दिया। अब छतगण, आप एक बात बताइए मुझे कि आप अपने बड़े भाई के विवाह का कार्ड छपा रहे हो, विवाह का तिथि, विवाह की तिथि 31 मई है और उसी दिन रिसेप्शन भी आपने रखा हुआ है, छतगण गलती से कार्ड में 10 मई छप जाता है, क्या होगी आपकी स्थिति? सारे सगे संबंधी 10 मई को आने लगेंगे आपके घर पर बधाई देने के लिए, कहाँ है दूल्हा दुल्हन। छतगण, क्या आप उनका स्वागत कर पाएंगे? क्या आप उन्हें एक मिठाई भी खिला पाएंगे? उस समय विशाल जनसमूह आपके समक्ष आएगा। छतगण, एक छोटी सी गलती जब आपको जो है शर्मनाक स्थिति में ला देती है, कार्ड में केवल छप गया 31 मई की जगह 10 मई, तो छतगण सोच लीजिए, यह तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, आजादी की पहली लड़ाई थी। छतगण, आजादी सो भी किससे,
ब्रिटिश हुकूमत से, जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है, हिंदुस्तान में डूबता है तो अमेरिका में उग जाता है, अमेरिका में डूबता है तो हिंदुस्तान में उगाता है। छात्रगण, यह स्थिति थी। उस साम्राज्य को नेस्तानबूद करना, उस साम्राज्य के सूर्य को अस्त करना छात्रगण, कोई गिल्ली डंडे का खेल नहीं था, कोई हंसी ठिठोला नहीं था छात्रगण, यह कठोर चुनौती थी। और इस चुनौती को इतने आसानी से नहीं जीता जा सकता था छात्रगण। छात्रगण, विद्रोह की प्रस्तावित तिथि 31 मई थी, लेकिन विद्रोह अचानक 10 मई को शुरू हो गया, जिसके कारण हम कोई ठोस योजना नहीं बना पाए, रणनीति नहीं बना पाए और असफल हो गए। इसको भी छात्रगण बहुत विस्तृत नहीं, छोटे से लाइन में आपको समेट देना है। आपको लिखना है कि 1857 की क्रांति की प्रस्तावित तिथि 31 मई थी, परंतु यह क्रांति अचानक 10 मई को प्रारंभ हो गई। क्रांति के अचानक शुरू हो जाने के कारण हम ठोस योजना और रणनीति नहीं बना पाए और हम असफल हो गए। बस इतनी बातों में गागर में सागर भरिए छात्रगण। विस्तृत कहानी नहीं लिखना है, मेन साहब लिख रहे हो, अपने पॉइंट्स को दमदार और सशक्त तरीके से प्रस्तुत करो आप, तब अंक आएंगे। कहानी नहीं बनाओ आप, इंटर पीजी और ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो, आपकी कहानी लिख रहे हो। लंबी चौड़ी कहानियां, फिल्मी कहानियां भी कुछ लोग लिख देते हैं ज्यादा अंक लाने के चक्कर में, कि कॉपी भरा हुआ लगेगा, है ना। नहीं छात्रगण, ये मेंस है, आपकी कॉपी जांच होने के लिए जाएगी तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के पास, लेखकों के पास जिन्होंने इतिहास की पुस्तकें लिखी हैं, वो कॉपी के एक एक अक्षर को पढ़ते हैं छात्रगण, ध्यान दीजिएगा, है ना। छात्रगण, अगले पॉइंट की ओर हम लोग जा रहे हैं, शिक्षित मध्यम वर्ग का समर्थन नहीं मिलना। छात्रगण, शिक्षित मध्यम वर्ग जो कि देश का एक बहुत बड़ा जनसमूह था, 1857 की क्रांति में उन्होंने सैनिकों का साथ नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन उन्होंने तटस्थ भूमिका अदा की थी छात्रगण। तटस्थ का क्या होता है छात्रगण? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। लेकिन छात्रगण, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि ने लिखा है, जो रहे थे तटस्थ समय लिखेगा उनका भी इतिहास। छात्रगण, आपका पड़ोसी संकट में है, दुख तकलीफ झेल रहा है, उसे कोई मारने आया हुआ है और आप तटस्थ हैं, आप अपने घर में सोए हुए हैं, छोड़ो ना पड़ोसी का मामला है, समझेगा ना अपने। नहीं छात्रगण, अगली बारी आपकी होगी, इसलिए हमेशा मदद का रुख रखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। छात्रगण, शिक्षित मध्यम वर्ग का समर्थन क्यों नहीं मिला? शिक्षित मध्यम वर्ग को अंग्रेजी शासन अच्छा लगता था, अंग्रेजों के सुधारात्मक कार्य अच्छे लगते थे, अंग्रेजों द्वारा सामाजिक सुधार अधिनियम जो लाया गया, सती प्रथा पर रोक लगाई अंग्रेजों ने, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी, कन्या हत्या पर रोक लगाई, बाल विवाह पर रोक लगाया, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, रेलवे की शुरुआत की, डाक एवं तार प्रणाली की शुरुआत की, विश्वविद्यालयों की स्थापना की, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ये पसंद था शिक्षित मध्यम वर्ग को, उन्हें लगता था कि हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजी शासन ज्यादा बेहतर है, और यही कारण था कि छात्रगण 1857 की क्रांति में शिक्षित मध्यम वर्ग ने तटस्थ भूमिका अदा कर दी, सैनिकों की सहायता नहीं की छात्रगण, अंग्रेजों की भी सहायता नहीं की, लेकिन एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अंग्रेजों का साथ दे दिया। छात्रगण, दो दोस्त आप लोग जा रहे हैं, एक दोस्त को 10 लोग घेर करके मारना शुरू कर देते हैं, आप वहां से भागते नहीं हैं, बल्कि आप खड़े होकर तमाशा देखते हैं और आनंद लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप भी गुनहगार हैं, आप भी एक तरीके से भीड़ का ही साथ दे रहे हैं। आप भले तर्क दे दें कि मैंने तो मारा नहीं अपने दोस्त को, लेकिन छात्रगण, दोस्ती का क्या फर्ज होता है? इस वर्ग का क्या फर्ज था हिंदुस्तान के प्रति कि विद्रोही सैनिकों की सहायता करना? जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करियसी, जननी जन्मभूमि के लिए हमारे विद्रोही सैनिक जान की बाजी लगाए हुए थे, उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन अफसोस तटस्थ भूमिका अपना करके इस वर्ग ने एक तरीके से छात्रगण अंग्रेजों का साथ दे दिया। यदि यह वर्ग भारतीय सेना के साथ आ जाता छात्रगण, तो विद्रोह का तस्वीर कुछ और ही होता, है ना, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। छात्रगण, इस पॉइंट को भी लिखते वक्त आपको यही लिखना है कि 1857 की क्रांति में देश का एक बड़ा जनसमूह शिक्षित मध्यम वर्ग तटस्थ भूमिका में था। इसने इस क्रांति में न तो भारतीय सैनिकों का साथ दिया, न अंग्रेजों का साथ दिया। इस वर्ग को अंग्रेजों द्वारा
किए गए सामाजिक सुधार के कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारात्मक कार्य, रेलवे, डाकटार और अन्य उपलब्धियों के कारण ब्रिटिश सरकार की नीतियां पसंद थी, इसलिए इन्होंने तटस्थ भूमिका अदा की। यदि यह वर्ग भारतीय सैनिक विद्रोही सैनिकों का साथ दे देता तो तस्वीर कुछ और ही होती। बस इसी बात को लिख करके छात्रगण आपको अपने पॉइंट को विराम लगा देना है, यहां पर ध्यान देंगे। छात्रगण, शिक्षित मध्यम वर्ग का समर्थन नहीं मिल पाना हमारे लिए बहुत ही अफसोसजनक रहा। हमारे क्रांतिकारी सैनिकों का परिश्रम व्यर्थ चला गया और हमें निराशा हाथ लगी, असफलता हाथ लगी। छात्रगण, आज कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। बाकी जो बिंदु आप देख रहे हैं छात्रगण, स्पष्ट लक्ष्यों, उद्देश्य का अभाव, संगठन का अभाव इत्यादि, ये सब पर हम लोग चर्चा करेंगे छात्रगण अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।